हाइब्रिडाइजेशन एमसीक्यूज क्वेश्चन वन द डबल बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इन एन इथीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड विच ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म ईच ऑफ दिस बॉन्ड। इसके लिए काम करते हैं हम लोग, पहले जो है ना इथीन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो इथीन के मॉलिक्यूल में सी डबल बॉन्ड सी है एंड ईच कार्बन एटम इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड विद हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स को हम लोग उनके टाइप ऑफ बॉन्ड से लेबल कर देते हैं। तो ये सिग्मा और ये पाई है जो के आपके सवाल ने खुद ने बताया है। इसके अलावा जो बाकी के चारों बॉन्ड्स हैं वो सबके सब सिग्मा बॉन्ड्स हैं क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है विद कार्बन एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो इथीन के मॉलिक्यूल में ओवरऑल पांच सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। अच्छा, अब इन्होंने बोला है विच ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म ईच ऑफ दीज बॉन्ड्स। ओके, ऑर्बिटल ओवरलैप, अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं फॉर कार्बन एंड कार्बन, तो पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नहीं बनाता है और पाई बॉन्ड जो है इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्शंस ए और सी करेक्ट हैं, बी और डी गलत हैं। अच्छा, अब क्योंकि कार्बन ने तीन सिग्मा और एक पाई बनाने हैं तो थ्री सिग्मा प्लस वन पाई बॉन्ड उसी वक्त बन सकता है जब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हुई है वो है sp2। तो दोनों कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज होंगे इन ऑर्डर फॉर देम टू फॉर्म थ्री सिग्मा बॉन्ड्स, वन बिटवीन ईच अदर एंड टू विद हाइड्रोजन एटम। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए sp2 sp2। ए का आंसर sp2 sp2 है, सी का आंसर sp3 sp3 है। तो sp3 sp3 गलत है, sp2 sp2 सही है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन तीन किस्म की आपके सिलेबस में है। एक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो जिस एटम की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, उसने 4 सिग्मा एंड 0 पाई बॉन्ड्स बनाने हैं। अगर ये है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसने बनाने हैं 3 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। तब जो कि सिचुएशन यहाँ पर है इथीन में, दोनों कार्बन एटम ने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाए, तो उनके जो बॉन्ड ओवरलैप करेंगे टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड वो आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बॉन्ड होंगे जो ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल ओवरलैप। और तीसरा जो है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। जैसे कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर हो एल्काइन मॉलिक्यूल में, तो इसके अंदर आपके पास ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। तो इस तरीके से कार्बन ने 2 सिग्मा 2 पाई बनाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड ही हो। सिर्फ एक मॉलिक्यूल है CnCO, ठीक है, इस तरीके का मॉलिक्यूल, इसके अंदर कार्बन ने जो बनाए हैं ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई है। कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म 2 सिग्मा 2 पाई है। तो यहाँ पर भी कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपने ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है किस पर्टिकुलर एटम में, आपने ये देखना है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो इन द केस ऑफ इथीन आपका जो कार्बन एटम है वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, उसने बॉन्ड्स बनाए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 1 पाई बॉन्ड बनाए। इस कार्बन की बात हो रही है, 1 पाई बॉन्ड। तो 3 सिग्मा 1 पाई मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज वाई ऑप्शन ए में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो ओवरलैपिंग ऑफ 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच मॉलिक्यूल कंटेन्स अ नाइट्रोजन एटम विद sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, अब यहाँ पर जो पहला कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ और 1 लोन पेयर होगा। इसका मतलब नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और जो लोन पेयर है वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड्स। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में तो 2 सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है ना, 2 सिग्मा प्लस 2 पाई, और 2 पाई का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड या 1 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होना चाहिए मॉलिक्यूल में। HNO3 का शेप क्या होता है, नाइट्रोजन
डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच, यह है एच एन ओ थ्री। ठीक है, अब एच एन ओ थ्री में नाइट्रोजन ने क्या बनाया हुआ है, सिग्मा सिग्मा पाए पाए पाए, इसने बनाए हैं दो सिग्मा प्लस थ्री, ओ नहीं गलत कह रहा हूँ, दो तीन सिग्मा प्लस टू पाए, तीन सिग्मा प्लस टू पाए, ये पाए नहीं है ये सिग्मा है, सिग्मा, तो थ्री सिग्मा प्लस टू पाए, थ्री सिग्मा टू पाए हमने नहीं पढ़ी है, तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, वी डोंट नो, तो ऑप्शन बी इज नॉट एसपी हाइब्रिडाइज, दैट इज फॉर श्योर। सी पे आते हैं एचसीएन, एचसीएन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप है एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अब इसके अंदर कार्बन के पास एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है, एक पाई इधर है, एक पाई इधर है, तो टू सिग्मा प्लस टू पाई इज इक्वल टू एसपी हाइब्रिडाइजेशन, तो एचसीएन में जो नाइट्रोजन है उसने एक सिग्मा और दो पाई बनाए हुए हैं, और नाइट्रोजन के पास है मौजूद एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे वो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, सो इन टोटल टू सिग्मा टू पाई, कार्बन भी एसपी हाइब्रिडाइज्ड है और नाइट्रोजन भी इसमें एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, तो आंसर शुड बी सी, फिर भी हम डी देख लेते हैं, डी में है नाइट्रोजन इन द मॉलिक्यूल अमोनिया, तो एक लोन पेयर और तीन बॉन्डिंग पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी प्रेजेंट, तो इट कैन नॉट बी एसपी हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में दो सिग्मा दो पाई होने चाहिए और पाई नहीं है इसमें, तो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन इथीन मॉलिक्यूल, ओके इथीन मॉलिक्यूल, इथीन जो है वो आपका एल्कीन है, सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, अब इसके अंदर जो है सिग्मा पाए सिग्मा 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 सिग्मा, इसकी बात होगी, अब देखते हैं क्या बोलते हैं, अ पाई बॉन्ड बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस पी टू ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड बिटवीन एस ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं सिर्फ, क्योंकि एस ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, अ पाई बॉन्ड बिटवीन एन एस ऑर्बिटल एंड एन एस पी थ्री ऑर्बिटल, अगेन एस ऑर्बिटल जो है पाई नहीं बनाता, ठीक है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड एस पी टू ऑर्बिटल, कार्बन जो है इसने तीन सिग्मा और एक पाई बनाए हुए हैं, तीन सिग्मा और एक पाई जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है, और इन्होंने बोला है sp2 ऑर्बिटल, तो कार्बन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा बिल्कुल, और हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल होगा बिल्कुल, तो ऑप्शन सी जो है इसके हवाले से बिल्कुल सही आंसर है। डी चेक कर लेते हैं कि डी में क्या गलती है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन s ऑर्बिटल, ठीक है, एंड sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं इस मॉलिक्यूल में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का है और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का है, बोथ द कार्बन आइटम्स इन इथीन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड।